हेलो भाई लोग, आज हम आ गए हैं साहिबगंज से लगभग 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर। ये आप देख सकते हैं मोती झरना है। ये अजय नदी पर बना हुआ झरना है। अजय नदी यहीं से निकलती है, मुंगेर से निकलती है, पर यहाँ से गिरती है। तो दो स्टेप में देख रहे हैं पूरा पानी का फ्लो हो रहा है। काफ़ी ऊंची पहाड़ी पर है, बहुत दूर से ट्रैकिंग करते हुए आए हैं, थक गए हैं, पर आप देख सकते हैं आप लोगों के लिए एक अच्छा ब्लॉग ला रहे हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, अंदर में शिव मंदिर भी है, आप सभी को दिखाएंगे। पूरा पर्यटन स्थल है, लेकिन थोड़ा दूर है, थोड़ा रास्ता भी ठीक ठाक नहीं है, पर हाँ अच्छा खासा आपको एक स्पॉट मिल जाएगा देखने के लिए। बहुत ही अच्छा जगह है। आप सभी से यही बोलेंगे कि अगर समय होगा आप लोगों के पास, कभी इस एरिया में आते हैं तो ज़रूर आएँ, विजिट करें यहाँ मोती झरना। पूरा फैमिली के साथ हम लोग आए हुए हैं घूमने के लिए, और यहाँ देख सकते हैं काफ़ी ही मनोरम, काफ़ी सुंदर दृश्य है। और इधर कुछ बंदर सब भी बैठते हैं, यहाँ बंदर सब भी है देख सकते हैं। पूरा केला का ही पेड़ है टोटल। बहुत ही सुंदर है, बहुत मनोरम दृश्य है। मुंगेर से जो अजय नदी निकलती है, अंततः ही राजमहल की इन्हीं पहाड़ियों से होते हुए नीचे दो स्टेप में गिरती है। काफ़ी सुंदर झरना है, पूरा टूरिस्ट स्पॉट है। और वहाँ आप देख सकते हैं दूर में, यहाँ से शायद दिख ना रहा हो, उस जगह पर जो येलो बिल्डिंग है उसके बगल में शिव भगवान का एक गुफानुमा मंदिर है। वहाँ भी होगा तो चलेंगे, आप लोगों को ले जाएंगे। पर आप लोग से यही होगा कि समय हो तो ज़रूर आए, विजिट करें। इतना सुंदर, इतना प्राकृतिक के गोद में बसा हुआ, इतना मनोरम दृश्य है यहाँ पर, आप सभी को ज़रूर आना चाहिए। आज के लिए एक छोटा सा ब्लॉग है भाई लोग। आपका दोस्त आकाश सा आज झारखंड के टूरिस्ट प्लेस को देखते हुए यहाँ साहिबगंज आए हुए हैं। आप सभी लोग यहाँ पे अनुरोध होगा कि आप लोग आइए, घूमिए और ये मनोरम दृश्य का आनंद उठाइए। ठीक है, गुड बाय दोस्तों, सभी को बाय बाय।